बतारीख 13 दिसंबर को बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने एशियन टीवी न्यूज़ के जरिए बात करते हुए हालत हाजिरा के सुलगते हुए मसाइल पर रोशनी डाली, जैसे कि जहेज की बढ़ती हुई मांग के तहत लड़कियों के रिश्तों में ताखिर, शादी के बाद लड़कियों व खवातीन के साथ होने वाले तशद्दुद और फिर मीडिया और पुलिस में इन मसलों को मजीद हवा देना और खाजियों की जानिब से निकाह से ज़्यादा खुला करवाने के लिए पैसों का मुतालबा वगैरह। इस मौके पर सैयद ख्वाजा पाशा ने बताया कि आजकल के शादीशुदा जोड़ों में मामूली सी मामूली बात पर भी लड़ाई झगड़े होते हुए बात आखिरकार तलाक या फिर खुला तक पहुँच जाती है, जिसमें लड़का लड़की समेत दोनों ख़ानदानों के सरपरस्त भी बराबर के ज़िम्मेदार है। जो कहा कि दोनों जानिब के माँ बाप और सरपरस्तों को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाए और इन्हें शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करें। मज़ीद सैयद ख्वाजा पाशा ने ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से लड़के व लड़कियों के कत्ल व खुदकशी जैसे संगीन मसले पर भी आवाम को नसीहत दी। मज़ीद कहा कि आजकल के काजी शादियों को बचाने के बजाय महज चंद पैसों की लालच में आकर शादियों को तोड़ने जैसे काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात सैयद ख्वाजा पाशा की ज़बानी। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मीडिया के ज़रिए से मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आवाम को। अक्सर मैं बहुत जगह देख रहा हूँ पीएसओ में, यहाँ पर जो लेडीज़ के केस आ रहे हैं वुमेन पुलिस स्टेशन में और एरिया पीएसओ में जो फैमिली मैटर आ, तो पहली चीज़ तो अपने माशरे में जो है पीएस को जाना नहीं है। जो भी मसला है अपने रिश्तेदारों में बड़ों में बैठकर उसको हल करना चाहिए। क्या है उसमें बुराई? और कोई भी लड़का है, देखिए जब भी गलती होती है तो दो तरफ से होती है, एक ही नहीं होती है। तो आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर बच्ची है उसकी माँ या रिश्तेदार, उसको समझाना चाहिए, समझा कर एक मौका देना चाहिए। अगर लड़का है तो उसके भी माँ बाप समझाना चाहिए, उसको भी देना चाहिए, क्योंकि औरत बेटी की जब शादी करते हैं तो गरीब लोग बहुत बड़ी जंग जीते सर का होता, खर्जा लेके करके। अब यहाँ खर्जे नहीं फिट रहे, उससे पहले बच्ची फांसी ले रही या खुदकुशी कर ले रही या तो कई मसले निकल रहे हैं। और जैसा कि लव मैरिज करते हैं कुछ लोग, तो खाजी के पास जा रहे हैं मुँह माने, पैसे ले रहे हैं 10,000-12,000, दो विटनेसा ला ले रहे हैं, वो कौन है नहीं मालूम, विटनेसा ला के निकाह पढ़ा दे रहे। नहीं भाई, खाजी का काम है काउंसलिंग करने का ना। तो मैं सदर खाजी और एरिया के खाजियों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा आता है तो उसकी तहकीकात करिए आप। शादी हो रही शाही नगर सिकंदराबाद का आधार कार्ड रहा, तो ये गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और जब पीएसओ कोई आते हैं या लेडीज जेंट्स, तो पहली चीज़ तो इसके लिए वुमेन पुलिस स्टेशन है, वुमेन पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहाँ लेडीज़ रहती। और यहाँ के डीसीपी सलीमा खातून जो है सी टीम के, अच्छी मैडम है, वहाँ पर जाइए आप, काउंसलिंग होती है आपकी, बातचीत होती। ये रिश्ते तोड़ाने का नहीं होता, तीन बार आपको बुलाते और रिश्ते को जमाते हैं, क्योंकि अक्सर मैं भी जाते रहता हूँ। तो कई पीएसओ में मैं देख रहा हूँ नाइंसाफ़ी, पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते हैं, ये क्या हुआ रे यहाँ बैठ, क्या हुआ अम्मा आप ऐसा। अगर कोई लीडर जाता है या कोई नामचीन आदमी जाता तो उसकी पहचान से ये वन सेट कार्रवाई करते। तो मैं जितनी भी पुलिस है, सिटी पुलिस रहो या रचा कुंडा रहो, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, लेडीज़ के मसलों को आप वुमेन पुलिस स्टेशन भेजा दीजिए तो बेहतर रहता, क्योंकि क्रिमिनल केसेस इतने हैं, आप लोग उसमें हैंडल करते करते हो जाते। तो और मैं ख़ास तौर औरत बेटियों के माँ बाप से यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई आपको छोटी मोटी बात होती तो बैठिए, अपने मसलों को हल करिए आपस में, या बस्ती के बड़ों को लेके बात करिए, या मस्जिद के कोई पेशमाम रहते या बुजुर्ग रहते उनको आप बात करिए। ऐसा पीएसओ को जा रहे हैं आज, देखिए माशरे में जहाँ पर भी जा रहे हैं पीएसओ में अपने लोग मौजूद हो रहे हैं और अपना फैसला गैरा कर रहे हैं, तो ये गलत है। मैं आवाम को यही बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात पर गौर करिए आप लोग। और ख़ास तौर पर मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़की की गलती नहीं रहती, गलती रहती, बात जगह लड़की की भी रहती, तो ये किसी को मालूम नहीं रहता। अब क्या कर रहे हैं कुछ लोग, जा रहे हैं नहीं भाई मैं खुला ले ले रही हूँ, कि ज़िंदगी करना चाहिए, जब उन्हें ख़राब निकला तो पहले ही काम में अपन अच्छा करे। तो और लड़कों को भी ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आप शादी कर रहे हैं, अगर आपके पास दम है आप उसको पाल सकते हो, उसके हकूक को दे सकते हैं, तो आप किसकी भी औरत बेटी है, आपके भी पेट में अम्मा बहन है, आपकी भी बहन के साथ ये हो सकता। आज कई लोग
और एक सुनने में आ रहा है कि कोई कल की बात है, मैं पीएस में गया था कि भाई लड़की कहीं को पैदा हुई, लड़का पैदा करना था। तो ये क्या बात है भाई, ये तो अल्लाह की देन है, लड़का होना या लड़की होना। परसों में एक बच्ची फांसी ले ली कि उसको औलाद नहीं हो रही बोल के। तो ये जल रहा पेट माँ का, इनको कोई असर नहीं होता। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और ये केसों पर इसकी तहकीकात करके लोगों पर शिकंजा खचना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये बोल रहा हूँ, चाह रहा हूँ मैं, जितने भी लोग जो पेंडिंग केस हैं या घासी बाज़ार हो या रचाकुंडा ने हमारे वुमन पुलिस स्टेशन है, आप लोग उसकी तहकीकात करिए। करके अभी लोगों क्या हो रहा है, केस बुक करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं मालूम, छोटी मोटी बिल ले रहे हैं, खचा ख़त्म। ज़रा बोले कोर्ट में देखो। तो मैं इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए और ये जितने भी खाजी हजरात हैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ, निके के पैसे कम ले रहे हैं, खुले के पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। घर बसाने के कम, यानी कि घर बर्बाद करने के ज़्यादा पैसे, ये कौन सी बात है भाई। तो मैं सदर खाजियों को और जितने भी है, आप लोग एक सदर खाजी पूरे खाजियों को बुलाना चाहिए, मीटिंग लेना चाहिए, लेकर देखना चाहिए आखिर हो रहा क्या है। जितने निके दिन में नहीं होते उतने खुले और तलाक हो रहे हैं, जाके देखिए आप लोग। तो मेरी बात पे गौर करिए आप लोग, ये माशरे में हो रहा क्या है। अपन एक ऐसे इस्लाम में पैदा हुए, मगर आज देखिए आप लोग जितने भी कामों में पूरे अपने लोग हैं। सोशल मीडिया पे देखिए आप, आज मर्डर हो रहे हैं, किराम हो रहा है, तलाक हाँ खुले जितने भी गुनाह हो रहे हैं सूरा अपने ही माशरे में हो रहे हैं। तो इस पर गौर करिए और दिली तालीम बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप कुरान की तिलावत या उर्दू या माशरे में क्या चल रहा है ये भी सिखाइए आप लोग। 20-25 साल हो जा रही है आप अब तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाओ आपको, पढ़ा के उसके बाद आप बच्चे का घर बसाइए, तहकीकात करिए, दरियाफ़ी करिए कि लड़का कैसा है क्या है, उसके बाद अपना घर बसाइए। आप मेरी बात पे गौर करिए। और जैसा कि शादी खानों में दुनिया का खर्चा कर रही पैसा, वही आप देख समझ से करिए। गरीब बच्ची को किसी को आप उसका घर बसाइए, बाजे पटाखे ये वो दुनिया का खाना रख रहे हैं, ये अपने इस्लाम में नहीं है। लिहाजा मैं जितने भी हमारे खाजी हैं उनको अदबन गुजारिश भी कर रहा हूँ और इसकी मसब्बत भी करता हूँ मैं कि आप लोग ये खुले तलाक़ों को आते मत करिए, 2-3 बार टाइम दीजिए ताकि वो रिश्ता जम भी सके। हैदराबाद के खवातीन के लिए खुशखबरी, टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे शियान में वुमेन्स जूती सेंटर आप सभी के लिए ले आए हैं। जयपुर के जोधपुरी जूतीस, कोल्हापुरी सैंडल्स एंड जूतीस, पंजाब के परांठे, बांद्री दुपट्टा, बैंगल्स और कश्मीरी बैग्स के अलावा कॉस्मेटिक भी मौजूद है। तो देर किस बात की, चले आइए शियान में वुमेन्स जूती सेंटर। हमारा पता है टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9949617863। जूती बोले तो शियान में।